हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। पिछला वीडियो जो हम लोग बात किए थे एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पर, तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स 3-4 प्रॉब्लम्स आपके सामने सॉल्व करके दिखाया था कि हम कैलकुलस का यूज़ कैसे करते हैं, फिजिक्स में कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बहुत जगह हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं। मैं वैसे 2-3 प्रॉब्लम्स आपके सामने रखा जो 10th से आने के बाद बच्चों को बताने पर समझ में आ जाए, कम से कम ऐसा किया जो पिछले कुछ वीडियोस दे चुके हैं उसमें उसके बेस पर आपको बताया। तो अभी उसी में एक दो प्रॉब्लम और आपको देना चाह रहे हैं कि कुछ और केसेस शामिल हो जाए, उसमें कुछ एप्लीकेशन हो जाए, तो उसी लिए लिख दिया है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स पार्ट 2। तो ये दूसरा पार्ट है, जो पिछला वीडियो था वो भी एप्लीकेशन ही था, ये भी हुई। तो आज जो मैं बात करूँगा वो 2 प्रॉब्लम्स, एक तो लेंगे प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशन, मान लेते कोई आइसोथर्मल प्रोसेस गैस का है उसमें ये के लेंगे, रेडियो एक्टिविटी का एक जगह आता है उसमें भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी कैलकुलस का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आप पहले चैनल पर हैं तो वीडियोस को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, अपने सुझाव ज़रूर मेरे तक भेजिए और लोगों को मोटिवेट करिए कि चैनल से जुड़ें। उनके लिए मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि जो 11th 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मटेरियल्स जितना चाहिए जैसी ज़रूरत है वैसा पहुँचे। आइए बात करते हैं। तो एक आप बात सुने होंगे गैस, गैस लॉ, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, यही गैस के स्टेट को या गैस किस हालत में है ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कहीं किसी बर्तन में अगर गैस भरा हुआ है, रखा हुआ है, कोई भी गैस, आइडियल गैस, जनरली हम बोलते हैं आइडियल गैस, कहते हैं जो गैस लॉ को हर टेम्परेचर हर प्रेशर पर फॉलो करता है वो आइडियल गैस है। ये एक कंटेनर है और इसमें क्या है, एक पिस्टन ऐसे जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। यहाँ पर एक कोई गैस रखा हुआ, आइडियल गैस रखा हुआ, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे हैं, एकदम से छोटे हैं, उनके बीच कोई फोर्स नहीं लगता, अट्रैक्शन रिपल्सन, और ये हर टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस लॉ को फॉलो करते हैं, बॉल्स ला, चार्ल्स ला, ये सब वो फॉलो करते हैं। तो और पिस्टन का वेट खुद है, अगर इसके ऊपर कुछ और वेट रख दें तो क्या हो जाएगा, ये गैस को और दबा देगा और कहें कि प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए इस पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन है, ये गैस है और ये कंटेनर में, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और लेकिन प्रेशर बढ़ा दें तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर हटा लें ऊपर से वेट हटा लें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, इसको हम प्रोसेस में तो हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर इस तरह कुछ चीज़ होता है कि टेम्परेचर इसका वही रहे, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे तो प्रेशर अगर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वो भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी प्रेशर अगर हाफ कर दें पहले से तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, प्रेशर अगर 1/3 कर दें तो वॉल्यूम 3 times हो जाएगा। ये फॉलो करती हैं गैसेस, ये बिहेवियर या ये लॉ ओबे करती हैं, ओके। और इस लॉ को हम जनरली बॉयल्स लॉ बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पी प्रेशर और वॉल्यूम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कब, कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। सो कांस्टेंट टेम्परेचर ये ऐसा रहेगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, पी इक्वल्स सम कांस्टेंट इनटू वी, ओके। और ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट के सी जो भी ले सकें आप, और पी इंटू वी इक्वल्स कांस्टेंट, ये तो पी मल्टीप्लाइड बाय वी कांस्टेंट,
मीन्स पी अगर डबल करें तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, या पी हाफ करें तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। प्रोडक्ट दोनों का उतना रहेगा जितना पहले से है, बशर्ते गैस का अमाउंट वही रहे। यहाँ गैस अंदर न बाहर से आ जाए, न तो अंदर से बाहर गैस बाहर चली जाए, तब ये होता है। तो कोई भी गैस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर न आ जा पाए, इसलिए तब ये ओबे करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी को पी वी इक्वल्स कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, किसी भी गैस के लिए पी वी इक्वल्स म्यू आर टी, मोल्स आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, मोल्स पढ़े होंगे। और ये गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी आप जानते होंगे, इस ये क्या होता है केल्विन में, जीरो डिग्री सेल्सियस को आप 273.16 केल्विन बोलते हैं। तो ये केल्विन में टेम्परेचर होता है। तो ये गैस, इसको कहते हैं गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये होता है, ठीक। आइडियल गैस प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन द कंटेनर, गैस कांस्टेंट एंड टी ओके। सो ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है, ये 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो आइडियल गैस इक्वेशन इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/V ऐसे आप लिखते हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं कि किसी भी, अभी मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रेशर है, कुछ प्रेशर है ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होता है, ये मान के कि प्रेशर लगभग वही रहता है और थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज होता है। हालांकि बहुत देर तक वॉल्यूम चेंज होता रहेगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन अभी अभी फिलहाल ये प्रेशर है, कोई प्रेशर पी है, उस समय थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो वर्क क्या होता है, पी डेल्टा वी, इसको पी डी वी कहते हैं कि ये वर्क डन। तो वर्क डन इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो अगर वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। ये क्या होता है, W इक्वल्स पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये ऐसे लिखते हैं। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, तो किसी प्रेशर पर थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क कितना होगा, ठीक है। सो इफ बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, चेंजिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर ऐसा है तो देन वर्क डन बाय द गैस व्हेन प्रेशर क्या है, प्रेशर इज पी एंड वॉल्यूम चेंजेस एंड चेंज इन वॉल्यूम, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इसको इरेज करते हैं ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस ओके, वॉल्यूम टेक्स प्लेस ठीक, तब क्या जाएगा, देन वर्क डन, दिस इज डब्ल्यू ओके। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स पी इंटू डी वी, देख रहा है, थोड़ा सा वर्क होता है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होने में, जब प्रेशर पी है, हालांकि प्रेशर भी बदल रहा है,
वो ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा तो ये भी बदला हुआ दिखेगा, लेकिन किसी प्रेशर पर करें कि इस समय प्रेशर है, इस समय थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, जिससे कि हम प्रेशर में चेंज काउंट ना कर सकें, ना करें या इग्नोर कर सकें, ये वाला बात, लेकिन वॉल्यूम में चेंज हम काउंट कर रहे हैं तो इतना होगा। अब क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज, पूरा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2 तक। ओके, सो टोटल वर्क डन, अब टोटल वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 कितना होगा, W इक्वल्स इंटीग्रेशन DW, और ये DW क्या है, PdV, और ये V भी वेरिएबल है और P भी वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, डिफरेंट इंटीग्रल है PdV का और V1 से V2 तक, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है। तो अभी इसमें क्या करना पड़ता है, ऐसी केस में यहाँ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जब इंटीग्रेशन करना है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक बार में एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो V है तो यहाँ भी V हो जाए, या यहाँ P है तो यहाँ भी क्या हो जाए, P हो जाए, कुछ ऐसा करें। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि क्या लिखते हैं, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है आप ये जानते हैं, और अभी हम लिखे थे PV इक्वल्स μRT, तो इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट रह गया, R तो गैस कांस्टेंट है ही है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट है ही है, तो म्यू नंबर ऑफ मोल्स अभी फिलहाल गैस का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है, यानी उतने ही है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में चेंज हो रहे हैं। तो हम या तो पी को हटाएं वी के टर्म्स में लिख दें, या वी को हटाएं पी के टर्म्स में लिख दें, ये कर सकते हैं, तो हम पी को ही हटाने जा रहे हैं, ठीक है, यानी पी को हटाने, पी इक्वल्स क्या है, μRT/V, ये लिख दें तो हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन V1 to V2 μRT/VdV। तो अब यहां वेरिएबल क्या हो गया, बस V है, बाकी तो कांस्टेंट है, ये हमने कंडीशन ही ले लिया है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, यहां पर देखिए पहले से ले लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ऐसी केस में यहां पर क्या करते हैं, μRT आउटसाइड आ जाएगा, सो W इक्वल्स μRT ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या है, V1 टू V2 किसका है, 1/V का इंटीग्रेशन करना है, और V के रिस्पेक्ट में, ये वॉल्यूम। तो याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा इंटीग्रेशन का, इसको पढ़े हैं, 1/xdx इज log x, नेचुरल log x, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, μRT, और यहाँ जो होगा वो ln नेचुरल log, आप इसके लिए अवश्य ही क्या करना है कि जानना पड़ेगा कुछ ऑपरेशंस जो पहले बताए गए हैं, डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्री, ये सब जानना पड़ेगा, और ये मैंने भी अपने चैनल में ये सब वीडियो डाल रखे हैं, आप जाके पहले उधर शुरुआत से देखेंगे तो समझ में ये सब आएगा कि आगे क्या हो रहा है। तो ln V log V इसका मतलब ये होता है नेचुरल log, ठीक है, और V1 to V2 ये हो गया। तो 1/V का इंटीग्रल है V के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, कितना हो गया, ln V, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो कितना W हो जाएगा, देखिए, देन टोटल वर्क डन μRT, और ये क्या होगा, ln V की जगह क्या रखेंगे, V2, V में पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, फिर
फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस किया, फिर एल एन और वी वन, ऐसा हो गया। और लॉग में एक और चीज़ है कि अगर सेम बेस पर, यहाँ तो बेस ई है, ई ऐसे, ठीक है ना, तो अगर सेम बेस पर लॉग, तो लॉग ए मान लेते हैं बेस एक्स है और प्लस माइनस लॉग बी बेस एक्स अब भी है, तो क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई बी ऑन सेम बेस एक्स, ठीक है ना, बेस वही है और लॉग ए बाई बी होगा। तो यहां पर इसका हमको यूज करना है, तो यहां पर आ जाइए, W इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू आर टी, और क्या हो जाएगा फिर एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये हो जाएगा। अगर इसको आप, तो एक तो वर्क का यही फॉर्म हो गया, ऐसे लिखते हैं, ये दिखा सकते हैं कि वर्क के और भी फॉर्म लिखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर v जो देख रहे हैं ना, पी वी इक्वल्स म्यू आर टी है, तो ये v1 v2 अलग अलग, t तो कांस्टेंट है, अलग अलग p पर क्या हो जाएगा, या पी वी कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर भी लिखे थे ना कि p इंटू वी, पी वी कांस्टेंट है, यानी कि ये p इंटू वी, म्यू कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, तो पी वी पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो भी अगर इंक्रीज होता है तो भी इंक्रीज होता है तो पी क्या होगा, कम हो रहा होगा, तो यही बात कह रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी वन वी वन इक्वल्स पी टू वी टू इक्वल्स पी थ्री वी थ्री, ऐसा भी लिखते हैं। तो वी टू बाई वी वन, हम इन दोनों को ले लें, तो क्या हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन इक्वल्स क्या हो जाएगा, पी वन अपॉन पी टू। तो इसी चीज़ को, जो वी टू अपॉन वी वन है, उसको पी वन अपॉन पी टू लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल्स म्यू आर टी, ठीक है, और एल एन पी वन अपॉन पी टू, तो ये भी रिलेशन ऐसे डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूले जो लॉग वाले का एप्लीकेशन हुआ, और आगे तो उसको आपको पढ़ना है, फिर पढ़िएगा, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अगर दिमाग में आती रहेंगी तो थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ज़रूरी है एलेवेंथ क्लास में बेसिक्स का क्लियर होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक तो लेट आते हैं ऊपर से, और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक साल क्या होता है निकल जाता है, तो ऐसे में पहले से ही अलर्ट रहना आपका ज़रूरी है। तो आइए एक प्रॉब्लम और इसमें हम करना चाहेंगे, रेडियो एक्टिविटी का था, आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं कुछ, उसमें से क्या होते हैं, रेडिएशन निकलते रहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, गामा अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा एनर्जी, गामा फोटॉन, एनर्जी के फोटॉन हैं, उस फॉर्म में निकलते रहते हैं। यानी कोई मटेरियल दिया हुआ है, उसमें से कितने न्यूक्लियाई, कितने एटम्स डीके होते हैं, यानी न्यूक्लियस क्या होता है, रेडियो एक्टिव में क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में उनके जो एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं ना, उसमें से बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या फिर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बंच बना करके, एक ग्रुप बना के निकलते हैं, उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक साथ, चार मास नंबर कम हो जाता है, तो उस पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो अल्फा डीके होता है। तो जैसे ही एक पार्टिकल निकलेगा, जो न्यूक्लियस था पहले, वो बदल जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, तो वैसे ही बीटा पार्टिकल निकलता है, तो ये इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डीके हो रहा है, या न्यूक्लियस डीके हो रहा है ना, तो इसको न्यूक्लियर डीके या रेडियो एक्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो का मतलब रेडिएशन से, तो ये अल्फा बीटा और गामा, ये रेडिएशन यानी रेज की तरह निकलते रहते हैं उसमें से, हालांकि है तो पार्टिकल। तो जब न्यूक्लियस से ये निकलते हैं तो न्यूक्लियस बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं डीके हो रहा है, पहले जो था वो नहीं रह गया, दूसरा कुछ बन गया, तो कहते हैं डीके हो गया, तो न्यूक्लियर डीके है, या उसको डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। उसमें बताना मुश्किल है कि कौन सा न्यूक्लियस कब डीके होगा, ये कोई किसी तरह डिपेंडेंस कोई मालूम नहीं है, ना तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कोई भी न्यूक्लियस कभी भी डीके हो सकता है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ बता नहीं सकते उसमें, ऐसा है। तो जो जैसे आप नॉर्मल कह दें कि सब लोग सड़क पर जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं,
एक्सीडेंट किसका कब होना है, कब हो जाएगा, ये कोई बता नहीं सकता, ठीक है, अनप्रडिक्टेबल है। लेकिन रोज 4-6-10 केसेस एक ज़िले में आती रहती हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि किसका एक्सीडेंट होगा, ये कोई नहीं बता सकता। अखबार में रोज आता है कि हाँ औसतन साल में इतनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इतने तरह के रोड मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, तो ये रहेगा कि एवरेज वैसा ही रहेगा कि हर साल में अगर साल में 1000 या 1200 हो रहा है तो 1000 या 1200 उसी में कुछ कम कुछ ज़्यादा क्या होगा, होता रहेगा, लेकिन एवरेज वो रहेगा भले, लेकिन ये नहीं पता है कि कब कौन ऐसा किसके साथ गड़बड़ होगा। तो वैसे न्यूक्लियाई का कि रेडियो एक्टिव जो बड़े न्यूक्लियस हैं जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स या गामा रेज इमिट करते हैं, निकालते हैं, उनमें से कौन सा न्यूक्लियस कब निकालेगा ये कोई बता नहीं सकता, कोई तय नहीं हो सकता। उसको गर्म करें, ठंडा करें, किसी से केमिकल रिएक्शन करा दें, कुछ भी करा दें, तो भी ये चीज़ बदलती नहीं, जो जिस न्यूक्लियस को जब भी डीके हो सकता है, ये कभी भी डीके हो सकता है, बहुत दिनों तक नहीं डीके हो सकता, कुछ पता नहीं। लेकिन ओवरऑल एक होता है कि इतना मटेरियल है, ज़्यादा जितना मटेरियल है डीके होने वालों की नंबर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी को बोलते हैं कि रेट ऑफ डीके, यानी पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो जा रहे हैं, डिपेंड करेगा कितने संख्या में न्यूक्लियाई है, ठीक है। जैसे हम एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो हमने एक शहर ले लिया, वहाँ कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो एक शहर की पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से मान लेते हैं रोज 15 आए, मान लिया। लेकिन अगर पूरा एक स्टेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर रोज एक्सीडेंट वाला 15 तो नहीं रहेगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ओके। हो सकता है कि वो 1500 हो जाए, ठीक है। तो ये पर डे एक्सीडेंट डिपेंड करता है कितनी बड़ी पॉपुलेशन ले रहे हैं। तो वैसे ही है कि पर सेकेंड कितना न्यूक्लियस डीके हो जाएंगे डिपेंड करता है कि आपने कितना न्यूक्लियाई लिया है, यानी ज़्यादा अमाउंट है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर डीके कहते हैं। तो वहाँ पर भी एक चीज़ आया था रेडियो एक्टिव डीके में, एक प्रॉब्लम है। सो रेडियो एक्टिव डीके यहाँ पर क्या है, टाइम रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, अनडीकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट, नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ठीक है ना, न्यूक्लियाई प्रेजेंट। इस समय कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं जितने डीके अभी नहीं हुए हैं, तो ये टाइम रेट ऑफ डीके बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं DDT ऑफ N, ठीक है। और ये चूंकि नंबर कम हो रहा है समय के साथ तो नेगेटिव जरूर लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, N के। कितने हैं अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट, यानी ये N है, यही। तो इसको लिखते हैं इक्वलिटी, जब लिखते हैं इक्वलिटी के साथ तो DDT ऑफ क्या लिखते हैं, माइनस लैम्डा एन, ये लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको आप डीके कांस्टेंट कहते हैं, डीके कांस्टेंट। इसको ट्रांसपोज कर लें हम, डी एन यहां 1/N कर लें, ये क्या है माइनस लैम्डा DT, ये कर लें, ये ना हो जाएगा माइनस डी एन को उधर ले आए, यानी इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/N dN इक्वल्स माइनस लैम्डा DT, ठीक। तो अब अगर हम इसको पूरे टाइम के लिए इंटीग्रेट करें कि डी टी कहाँ से लेके, या जीरो टाइम से लेके, शुरुआत से लेके बहुत देर बाद तक, जब तक ये चलता है, क्योंकि डीके इन्फिनाइट चलता रहता है, क्योंकि जो डीके है वो क्या है, इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहता है। तो हम
कोई डेफिनेट इंटीग्रल वहाँ पर नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या है ऐसे इंटीग्रल हम ले रहे हैं कि चलिए ये dn सब dk होते होते इस dt टाइम में, इतने dt टाइम में dn न्यूक्लियाई dk हो गए, तो ये dt टाइम और ज़्यादा और है कि नहीं, कितने dk हो जाएंगे पूरे न्यूक्लियाई, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम इंटीग्रेट करते हैं 1/n dn और माइनस लैम्डा dt। तो ये देखिए फिर वही आ गया, 1/x dx वाला फॉर्म आ गया, और ये यहाँ पर ये ज़रूर क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। और देखिए तो ये ln, ठीक है, ln n log n, यही तो हुआ। अब ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ये डेफिनिट इंटीग्रल नहीं है कि बाउंड्री रख दिए हमने, लिमिट रख दिया और कैलकुलेट कर लिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है, माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट ही है, और dt आप समझ सकते हैं ऐसे dt है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा और dt है, तो यहाँ t^0 है, तो लैम्डा t है और प्लस c रहेगा। तो पाए क्या है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंटीग्रल में क्या होता है, कांस्टेंट c हम लिखते हैं। तो ln n इक्वल्स माइनस लैम्डा t प्लस c, यही हुआ। अब क्या रहा, कोई एक कंडीशन हम रखते हैं कि हमने शुरुआत से जब से कोई मटेरियल लिया कि अभी इसके इतने न्यूक्लियाई हैं, t = 0 इसको टाइम लिखेंगे कि हमने ये मटेरियल लिया किसी मशीन से, मान लेते हैं उनके कितने न्यूक्लियाई हैं, गिन लिया, और उस टाइम पर जो नंबर है वो इनिशियल नंबर है न्यूक्लियाई का, ये कह रहे हैं वही टाइम t = 0 भी है। तो t = 0 पर क्या रहा होगा, तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये कितना है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लेते हैं ये n0 व्हेन टी, इनिशियल का मतलब t = 0, तो टी की जगह 0 रखेंगे तो इनिशियल क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या होगा, ln0, शुरुआत में यही नंबर था, ठीक है। ये n क्या है, अनडिकेड न्यूक्लियाई जितने बचे हैं इस समय वो हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस c, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट c = ln0, c क्या है, कांस्टेंट, तो ln0 ये कांस्टेंट। तो अब फिर क्या करेंगे, अब c की मतलब, इसका मतलब है कि c की जगह इसको रख सकते हैं यहाँ, फिर यहाँ से आ गए लेकर के कि ln n - ln n0, ln क्या है, log ही है, उसको नेचुरल log के नाम पर नेचुरल log के नाम पर ln बोलते हैं। तो ये हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया और माइनस लैम्डा t ऐसा लिख दिया, फिर वही चीज़ आ गया, log a माइनस log b भी बात की थी पिछले वाले सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर क्या हो गया, ln n/n0 हो गया, log a माइनस log b क्या होता है, log a by b ऐसा होता है, बेस वही रहेगा, यहाँ पर e बेस ही वही रहेगा, माइनस लैम्डा t। तो यहाँ बेस, एक चीज और, log की प्रॉपर्टी जब यूज कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी यूज करने में देखिए क्या लिखते हैं, log x बेस a इक्वल्स y अगर है, ठीक है, मीन्स log x इक्वल्स y, बेस क्या है a, इसका मतलब क्या हुआ कि a, when a raised to power y it gives x, okay, when a is raised to power y it gives x, means a raised to power y equals x, यही रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम ऐसे लिखते हैं log में। तो यहाँ पर भी तो वही है कि यहाँ बेस क्या है e, ln को हम क्या लिखते हैं, e बेस है,
एन एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी ऐसे हो गए। तो क्या लिखेंगे यहां पर भी, ई पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल्स एन अपॉन एन नॉट। सो वी हैव क्या लिख सकते हैं यहां पर, एन अपॉन मीन्स ई पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल्स एन अपॉन एन नॉट। सो एन अनडिकेड न्यूक्लियाई कितने रह गए, एन नॉट जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके है, ठीक है ना, ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके तो यही है, प्रोपोर्शनैलिटी ही है, ठीक है, उसी लॉ को यहाँ इस फॉर्म में ले आके लिखा हुआ है। तो ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने तो आपको ये 3, 4, 5 जो छोटे छोटे थे इन्हीं को हम आपको अब तक पहुँचाने के लिए हमने कोशिश किया और पहुँचाया। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ जरूर समझ में आया होगा, आगे जो प्रॉब्लम्स हम लोग करते रहेंगे तो उसमें ये चीज़ें आती रहेंगी, तो हम उस पर फिर से आपके सामने बात करते रहेंगे। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसको यहीं रोका जाए और अब नई चीज़ों के लिए अब कुछ वीडियो बने। अभी हमारे पास बाइनोमियल से रिलेटेड में हमने आपको कुछ नहीं बताया है, तो उस पर बात करेंगे। कुछ मैक्सिमा मिनिमा कभी कभी आ जाता है, उसकी बात करेंगे। तो ये सब भी है, तो हम कुछ अब नए वीडियो लेके आएंगे। तो फिर आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देखते रहेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे चैनल से जुड़ने के लिए और साथ बने रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।